हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल एंट्री करना सीख लिया था। हमने सीख लिया था कि एक ट्रांजैक्शन की कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे। मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे पहला काम जो हमें अकाउंटिंग में करना है वो हमें एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कहाँ पे करना है सबसे पहले रिकॉर्ड? सर, जर्नल में करना है। और क्या करते हैं? उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो हमने सीखा था कि जर्नल के रूल्स सीखे थे कि किस तरीके से किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज क्या हम पढ़ेंगे? आज हम वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब देखो क्या है, जो हम जर्नल एंट्री करेंगे किसी ट्रांजेक्शन की, इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन हुई होगी, एंट्री कौन करेगा? एंट्री करेगा अकाउंटेंट। जो आप अभी अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो, तो आपने अकाउंटिंग करनी है, आप अकाउंटेंट हो, तो आप अकाउंटिंग करोगे किसकी? ट्रांजेक्शन की। आप अकाउंटिंग करोगे ट्रांजेक्शन की। याद करो, पहले लेक्चर में बोला मैंने आपको, जब आप वहां पे रहोगे दुकान में, तो आप क्या करोगे? आप देखते रहना क्या हो रहा है। और जो ही हमारे बंदे ने, सेल्समैन ने, आप अकाउंटेंट हो, आप नहीं बेच रहे हो, आप देख रहे हो कि सेल्समैन ने एक कस्टमर को गुड्स बेच दिए, तो आप बोल रहे हो सेल्स हो गई है, तो आपने क्या देखा? ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आपने उसकी अकाउंटिंग की, आपने उसकी अकाउंटिंग की कर दिया। आपने आपने बोला ठीक है भाई, हमारे हमारे सेल्समैन ने एक जींस बेच दी 1000 रुपए की, आपने बोला यह सेल होगी 1000 रुपए की, तो मैं इसकी एंट्री करता हूं, तो आप तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपने कर दिया। मगर मुझे बता दो, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद मैं आपको बोलूंगा कि व्हाट इज द प्रूफ कि यह सेल्स 1000 रुपए की हो गई है। मैं सपोज मालिक हूं और मैं उस दुकान में नहीं होता हूं, मैं उस दुकान में नहीं होता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि क्या क्या प्रूफ है कि ये सेल्स 1000 की हो गई है, आपने उस कस्टमर से 1000 रुपए लिए है, आपने उसको 1200 में नहीं भेजा है। तो आपको फील आ रहा है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि कल को अगर ऑडिट हो जाएगा, सपोज बड़ी कंपनी है वहां पर ऑडिट होता है, या मालिक बोलेगा कि क्या प्रूफ है कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन इतने में हो गई थी। तो एक फील आ रहा है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, जो भी हम जर्नल एंट्री करेंगे, जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, वो जिस ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रहना चाहिए। हाँ सर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहना चाहिए, नॉट ओनली कि ये ऑडिट हो जाएगा, नॉट ओनली कि ये हमारे मालिक की रिक्वायरमेंट है, हम जिस कंट्री में रहते हैं उसके गवर्नमेंट रेगुलेशन जो बिजनेस में लगते हैं उसके भी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करने पड़ते हैं, और उसके पीछे आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो होने चाहिए। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को हम वाउचर्स बोलते हैं अकाउंटिंग में। वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जिनके बेसिस पे एक अकाउंटेंट जर्नल एंट्री करता है और बाकी अपना पूरा काम कर लेता है। स्टार्टिंग काम अकाउंटेंट का कहां पे होता है? जर्नल एंट्री करना, और खत्म कहां पे होता है? प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट पे। मगर वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको अकाउंटिंग एंट्री करना, जर्नल एंट्री करना, वो किस बेस पे करेगा एक अकाउंटेंट? ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विच आर कॉल्ड एज वाउचर्स। ठीक है, कल को आप आगे पढ़ोगे, आप देखोगे कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो एज एन अकाउंटेंट, उनको टैक्स ऑडिट कराना होता है, तो टैक्स ऑडिट में भी उनको अपने सीए के पास जाना पड़ता है, तो सीए देखेगा कि ठीक है इनने जो बुक्स बनाए, अकाउंट्स ये बनाए, वो बोलेगा इसका मुझे दिखा दो, तुमने सेल्स इतना दिखाए तो मुझे बिल्स दिखा दो, तो तुम दिखा दो कि जो हमने बिल्स रेज कर दिए। ठीक है, तो वो जो बिल्स है वहां पे सेल्स के, वो जो सेल्स के इनवॉइसेस तुमने काटे होंगे, जैसे तुम यहां पे भी करोगे, अभी तुम देखते होगे जीएसटी में इनवॉइस की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो गवर्नमेंट बोलते हैं जब भी तुम सेल करोगे तुमने इनवॉइस लेना, या जागो ग्राहक जागो में भी बोलता है जब भी तुम दुकानदार से कुछ परचेज करोगे तो उसको इनवॉइस ले लो, क्योंकि वो इनवॉइस देगा तुम्हें तो रिकॉर्डिंग करेगा तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इसने इतनी सेल कर दी है और इसको इसको टैक्स देना था या नहीं देना था, वो तब भी पता चलेगा, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगी तो पता नहीं चल जाएगा। ठीक है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं इनको हम वाउचर्स बोलते हैं। और हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, ये तो वाउचर्स है, अब हमें क्या करना है? हमारे लिए वाउचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग एन अकाउंटेंट, बिकॉज हम जो अकाउंटिंग करेंगे, हम जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री इन जर्नल, दैट विल बी डन ऑन द बेस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विच आर कॉल्ड एज वाउचर्स। अब हम पढ़ेंगे कि वाउचर्स के कितने तरीके के होते हैं और किसका क्या रोल होता है, और अकाउंटेंट कैसे उनके बेसिस पे जर्नल एंट्री करता है, वो हम करेंगे, तो एक एस्पेक्ट हमारा कवर हो जाएगा। आप लोगों ने एक चीज भी नोटिस की होगी यहाँ पे, मैं जो टॉपिक्स आपको अपलोड दे रहा हूँ, नोट्स या वीडियोस रिलीज कर रहा हूँ, वो शायद उस सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में आपका टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, बट मुझे पता है कि अल्टीमेटली हमें कहाँ जाना है, तो मैं आपको उसी स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ। पहले मैंने आपको वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म सिखा दिए, उसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिए,
उसके बाद मैंने जर्नल उठा दिया तो वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हम जर्नल एंटर करेंगे ये ऑन द बेस ऑफ कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए। जब भी आप एज एन अकाउंटेंट रहोगे तो आपको ये बात याद रखें, जब भी आपको बोला जाएगा कि आप अकाउंटिंग करो, आप बोलोगे भाई डॉक्यूमेंट प्रूफ दे दो ये सेल कितनी होगी या नहीं होगी, और उसको अपने पास महफूज रखोगे। कल को ऑडिट अगर हो जाएगा तुम अकाउंटेंट को पकड़ा जाएगा, बोल भाई तूने ये अकाउंटिंग एंट्री कैसे कर दी है, तो तुम्हें साल बाद कैसे पता चलोगे उस दिन कितने में सेल कर दिया था। तो क्या होगा, जब भी वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी तुम सेल्समैन को बोलोगे या जो काउंटर पे बिलिंग करता होगा उसको बोलोगे भाई इसका एक डॉक्यूमेंट एड्रेस बना दो, तो वो क्या देता है तब, सर वो इनवॉइस देता है, वो हम उस कस्टमर को इनवॉइस देते हैं। और अगर वो कैश में होता है तब उसको कैश में वो देते हैं, और अगर क्रेडिट में होता है या हमने अपने किसी दुकानदार को देता है तो हम उसको टैक्स इनवॉइस देते हैं। तो दो इनवॉइस है, या आपने कुछ अब स्टाफ ना स्टाफ है वहां पे, तो उन्होंने कुछ मतलब कुछ मंगा लिया बाहर से खाने के लिए, जिसको हम स्टाफ वेलफेयर बोलते हैं, दैट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। स्टाफ पे जो भी खर्चा होता है दैट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो उस स्टाफ वेलफेयर की तुम एंट्री करोगे, कल को ऑडिटर बोलेगा कहां पे खर्चा, व्हाट इज द प्रूफ, तो तुम उसको प्रूफ दिखाते सर देखो उस दिन हमने इतना खर्चा करा, इस दुकान से हमने ये चीजें मंगा दी, ये उसका बिल है, तो वो बिल रहा या इनवॉइस रहा, ये सारी चीजें जो है इनको हम वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बट आपके सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट भी है, मुश्किल आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी समझ ले, क्योंकि आप जब भी अकाउंटिंग करोगे जहां पर भी आप होंगे तो ट्राई टू मेक इट ए हैबिट कि किसी भी चीज की अकाउंटिंग करोगे तुम लोग तो उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने पास रखो। कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अभी हम पढ़ेंगे उनको डिटेल में। तो ये आपको अपनी हैबिट बनानी है, जहां पर भी आप अकाउंटेंट हो आपने उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगना है, और उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे आपने अकाउंटिंग करनी है, और उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक फाइल में संभाल के रखना है। कल को एक साल बाद आपका ऑडिट हो जाएगा या मालिक बोलेगा कुछ भी बोलेगा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप फटाफट उस पेज नंबर को खोल के बोलोगे भाई ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस ट्रांजेक्शन का, मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की है। ठीक है, तो वाउचर का समझ आया मतलब? हाँ सर, हमें समझ आया वाउचर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ये, और बीइंग एन अकाउंटेंट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप क्या करोगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को संभाल के रखोगे जब भी आप अकाउंटिंग करोगे इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पकड़ो। तो वाउचर क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बेसिस पे एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्री करता है। अब ये जो वाउचर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ये जो वाउचर्स होते हैं ये दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं हम सपोर्टिंग वाउचर, क्या बोलते हैं सपोर्टिंग वाउचर, और दूसरे को बोलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर। एक को बोलते हैं सपोर्टिंग वाउचर, दूसरे को बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को सपोर्ट करे उसको सपोर्टिंग बोलते हैं। व्हाट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं इसको। हम किसी भी चीज को बोलते हैं हम बोलते हैं प्लीज फाइंड अटैच दिस लेटर ऑफ अथॉरिटी अलॉन्ग विद दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तुम एक फॉर्म भरते हो, वहां पे तुम एक फॉर्म भरते हो और तुम्हें लगाने पड़ते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तुम किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो एडमिशन में एक तो वो एडमिशन फॉर्म रहता है, उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपका मार्क्स कार्ड रहेगा, 10th 12th का आपका डोमिसाइल, वो सारे सर्टिफिकेट जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। इसी तरीके से ये वाले वाउचर्स होते हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब आप जो अकाउंटिंग एंट्री करते हो ये पीछे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेस पे तुम सब अकाउंटिंग एंट्री करते हो। ये क्या होते हैं ये अभी मैं बताता हूं, पहले इसको समझ लो, बहुत सिंपल बात है। आप जो अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो उस अकाउंटिंग एंट्री के पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पे तुमने अकाउंटिंग एंट्री की, उनको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। वो डॉक्यूमेंट्स जो बिजनेस में मतलब हमारी एंटिटी की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं, जो एंटिटी की तरफ से क्रिएट जाते हैं, हमारी एंटिटी की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल दे सकता है तुम में से कोई? हां सर, बहुत आसान तो है सर। हम जो इनवॉइस रेज करेंगे ना, हम जो इनवॉइस बनाएंगे जब हमने कस्टमर को व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, दैट इज ए इंटरनल डॉक्यूमेंट, दैट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसके बेस पर मतलब यहां पे जो 1200 की सेल हो गई थी, इसके पीछे क्या बनेगा, यहां पे बिल बनेगा, काउंटर पे बिल बनेगा। दैट बिल जो इनवॉइस रेज हो जाएगा, जिसको तुम बिल बोलते हो, इनवॉइस रेज हो जाएगा या जो तुम बिल बनाओगे इस 1000 की, दैट विल बी ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, दैट विल बी द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये जो बिल एंटिटी ने बनाया था, जो तुम्हारे बिजनेस में खुद बन गया है बिल या इनवॉइस बोलो इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब जो तुम अकाउंटिंग एंट्री करोगे उसके पीछे जो वाउचर है, दीज आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड विद इन द बिजनेस। ये खुद हमने बना दी क्योंकि हमने सेल कर दी, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। ठीक है, तो समझ आया तुम्हें। वाउचर दो तरह के होते हैं, या तो सपोर्टिंग हो सकता है या अकाउंटिंग होता है। अभी हम सपोर्टिंग की बात करें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो तरीके होते हैं, या तो हमारे बिजनेस ने बनाए या तो आउटसाइडर्स ने बनाए। अगर हमने बनाया इंटरनल हो गया, और अगर आउटसाइडर ने बनाया तो एक्सटर्नल हो गया। आउटसाइडर कौन हो सकता है सर, जिनसे हम गुड्स परचेज करें। हम गुड्स बेच रहे हैं तो किसी से परचेज कर रहे हैं ना, तो जिससे हम परचेज कर रहे हैं तो उसने भी क्या किया, हमें रेज किया होगा सर। हाँ, उसने हमें बिल रेज कर दिया होगा। तो हमारे क्रेडिटर ने, ये थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टीज है, एक्सटर्नल क्या है, थर्ड पार्टीज। जैसे हमारे क्रेडिटर ने जो हमें इनवॉइस दे दिया, जो हमें बिल दे दिया, वो हमारे लिए क्या रहेगा सर, वो हमारे लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा। हम जो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, हम जो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है सर, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उस क्रेडिटर का इनवॉइस है, दैट इज नोन एज सपोर्टिंग वाउचर। एंड वो अगर फर्दर बाइफरकेशन है, दैट इज द एक्सटर्नल वाउचर दैट हैज बीन क्रिएटेड आउटसाइड द एंटिटी। ठीक है, समझ आई बात, बहुत आसान है कुछ में। और इसी तरह से बोलो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो एक्सटर्नल है सर, हमने जो माल मंगा दिया ये तो क्रेडिटर से मंगा दिया, बट इसको जो हमें भाड़ा लग गया, इसको जो फ्रेट लग गया, तो वो हमें फ्रेट का बिल दे दिया, फ्रेट का बिल दे दिया, वो हमारा क्या बनेगा, एक्सटर्नल। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, अगर हमें फ्रेट नहीं लगा, अगर हमारा जो हमारी अपनी गाड़ी है, बिजनेस की गाड़ी है, और उसका क्या है, पेट्रोल भर दिया, तो हमारा ड्राइवर है उसने पेट्रोल भर दिया, तो अब वो बोल रहा है कि मैंने पेट्रोल भरा, उसने पेट्रोल भरा, तो पेट्रोल के लोगों क्या लाएगा, वो पेट्रोल की जो स्लिप आती है, पेट्रोल पेमेंट की जो स्लिप आती है, मिलता है ना वो वाउचर जो पेट्रोल पंप से वो निकलता है कि मैंने इतना लीटर तेल भर दिया। तो हमारा ड्राइवर जब कन्वीनियंस क्लेम लेता है तो वो क्या हमें देगा, वो हमें क्या देगा, वो पेट्रोल पंप की वो रिसीट दिखा देगा, तो वो हमारे लिए क्या रहा, एक्सटर्नल। और अगर हमारी बिजनेस ने इनवॉइस रेज कर दिया, ठीक है, मैं आगे बताता हूं मैंने कितनी कुछ टर्म्स बोलिए, बट पहले मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूं कि क्या है अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। ठीक है, सपोर्टिंग समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया, ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हमारी बिजनेस ने कोई भी डॉक्यूमेंट बना दिया है उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और आउटसाइडर ने अगर बना दिया और हमें दे दिया जिसके बेस पर हम अकाउंटिंग करेंगे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, समझ आई बात, हाँ सर बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सपोर्टिंग वाउचर हमें समझ आया। ठीक है, ये एक चीज हो गया सपोर्टिंग वाउचर, जिसके बेस पे तुम अकाउंटिंग करोगे। जैसे ये यहां पे इनवॉइस तुमने रेज कर दिया, इसके बेस पे तुम सेल्स की एंट्री करोगे। इस तरह से तुम्हारे क्रेडिटर ने तुम्हें इनवॉइस रेज कर दिया, इसके बेस पे तुम परचेज की एंट्री करोगे। तो परचेज एंट्री के लिए ये क्या बनेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसी तरीके से आता है अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर भी दो तरीके के होते हैं, जैसे सपोर्टिंग वाउचर या तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होता है। इसी तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए हम जो अकाउंट जो वाउचर बनाते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर कैश होते हैं और नॉन कैश होते हैं। मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन कैश वाउचर, और वो ट्रांजेक्शन जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं कैश वाउचर। समझ आई बात, बहुत आसान है। वो ट्रांजेक्शंस जिसमें डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व होता है उसमें बनेगा कैश वाउचर, वो ट्रांजेक्शंस जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है उसको बनता है, उसको बोलते हैं नॉन कैश वाउचर। क्या बोलते हैं, नॉन कैश वाउचर। अब मैं नॉन कैश वाउचर बाद में बोलूंगा, पहले मैं कैश वाउचर बोलूंगा। कैश वाउचर को हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं डेबिट वाउचर में और क्रेडिट वाउचर में। डेबिट वाउचर किसके लिए बोलते हैं, अगर किसी ट्रांजेक्शन में तुमने कैश पेमेंट कर दी, अगर तुमने कैश पेमेंट कर दी तो उसको डेबिट वाउचर बोलते हैं। यहां पे तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब कैश तो निकलता है उसको तो क्रेडिट करते हैं, यहां पे वो मतलब नहीं है, ये वाउचर की बात है। वाउचर की बात है मतलब जब तुम कैश पेमेंट करते हो, तुम दूसरे एंगल से देखो, जब तुम कैश पेमेंट करते हो तो तुम तो बोलते हो कैश को क्रेडिट कर दिया है, कि जब तुम कैश पेमेंट करोगे, चाहे कैश हो या बैंक, दोनों जगह में होता है, चाहे कैश हो या बैंक हो, बात एक ही है। तो कैश वाउचर डेबिट वाउचर हो सकता है या क्रेडिट वाउचर। मेरा कहने का मतलब था यहां पे, जब तुम कैश पेमेंट करते हो तो तुम में से बहुत सारों का ये डाउट आता है, सर जब हम कैश पेमेंट करते हैं तो उसमें तो बोलते हैं कैश हो, क्रेडिट करते हैं, तो कायदे से फिर इसका नाम होना चाहिए था क्रेडिट वाउचर, बट सर आप तो बोलते हैं इसको डेबिट वाउचर है। हम बोलते हैं हम इसको इस एंगल से नहीं देखते, हम देखते हैं कैश इन्वॉल्वमेंट है, बट हम देखते हैं अगर हमने कैश दे दिया इट मीन्स या तो हमने एक्सपेंस इनकर किया होगा, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, या तो हमने जिस पार्टी को हमने कैश दे दिया उसको हम क्या करेंगे अपने बुक्स में डेबिट।
कैश के परस्पेक्टिव से नहीं देखते, हम उस पार्टी के परस्पेक्टिव से देखते हैं, एक्सपेंस के परस्पेक्टिव से। एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे या हम उस पार्टी को डेबिट करेंगे तभी हम इसको डेबिट वाउचर बोलते हैं। इसी तरीके से कैश रिसीट को हम के वक्त जो वाउचर हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। मतलब अगर हमने किसी से कैश ले लिया तो उसको हमने क्या दे दिया, क्रेडिट वाउचर दे दिया, रिसीट वाउचर दे दिया। क्या दे दिया उसको, इसको हम रिसीट वाउचर भी बोलते हैं। जैसे इसको पेमेंट वाउचर बोलते हैं, डेबिट वाउचर बोलते हैं, इसको हम पेमेंट वाउचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेमेंट वाउचर भी बोलते हैं। और इसी तरह से हम इसको रिसीट वाउचर भी बोलते हैं। अभी इसकी मैं एग्जांपल बोलता हूं, तो आपको समझ आ जाएगा। सपोज आपका डेटर है, उसने आपको 10,000 रुपया दे दिया आज। मतलब वो आपसे माल लेता रहता है, माल। हाँ सर, वो माल लेता है। आज की डेट में वो आ गया आपकी दुकान में और उसने आपको 10,000 रुपया दे दिया कैश। Do you feel that there is a need of giving him a written acknowledgement? Yes, I acknowledge of receipt. I acknowledge the receipt of 10,000 from you. पहली बात ये चीज कि कल को अगर मेरा मालिक बोलेगा इसने कितना दिया था, सपोज वो अगर चला गया और उसने बोला था मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे, तब 15,000 दिए थे, तो फिर किसको पकड़ा जाएगा? फिर अकाउंटेंट को पकड़ा जाएगा, ना? हाँ सर, अकाउंटेंट को पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि तूने तो भाई 10,000 दिए थे और वो बोला नहीं मैंने 15,000 दिए थे। इज देयर अ डॉक्यूमेंट एविडेंस? ओ यार मैं तो भूल गया, मैंने तो बोला था ये बंदा तो भरोसे के लायक है, मैंने इस पे भरोसा कर दिया। तो ऐसा चीज होता है, नहीं होता है? हाँ सर ऐसा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी वो बंदा हमें 10,000 रुपए देगा, अब हमारे पास अगर उसने बैंक में दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं दिखाता बैंक स्टेटमेंट, भाई देख 10,000 रुपए दिए, बट जब वो मुझे कैश दे रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कल को मकर सकता अपनी बात से, नहीं भाई मैंने तो तुम्हें 15,000 रुपए दे दिए। तो हम क्या बोलते हैं, जब वो हमारे पास 10,000 देता है हम उसको एक कैश रिसीट देते हैं। क्या देते हैं? हमारे पास रिसीट बुक होता है, जब तुम स्कूल में फीस भरते हो, ट्यूशन में फीस भरते हो, क्या करते तुम्हें रिसीट देते हैं ना, दैट इज द रिसीट वाउचर। That is a receipt voucher. जब कैश आता है तो उसको हम क्रेडिट वाउचर बोलते हैं या रिसीट वाउचर बोलते हैं, ठीक है? रिसीट वाउचर बोलते हैं या क्रेडिट वाउचर बोलते हैं। तो हम उस पार्टी को क्रेडिट करते हैं, बोलते हैं तुम्हारा अकाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो जैसे स्कूल में वो हमें फीस की रिसीट देते थे, या हम मतलब ट्यूशन में जाते थे तो वो ट्यूशन में रिसीट की फीस देते हैं। इसी तरह से जब हमारा डेटर हमें पैसा देगा तो हम उसको एक रिसीट वाउचर देंगे, रिसीव 10,000 रुपीज, और उसको दे जाएंगे। और हमारे बेस पे फिर अकाउंटेंट क्या करेगा, अब उसने क्या कर दिया, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बन सकता है उधर, और इस तरीके से अगर अकाउंटिंग के पर्पज से तुमने उसको 10,000 रुपए दे दे तो ये तुम रिसीट दोगे उसको, तो ये तुम्हारा आएगा कैश के लिए रिसीट वाउचर। समझ आई बात? हाँ सर समझ आ गया। उसने हमें 10,000 रुपया दे दिया, हमने उसको रिसीट वाउचर दिया, कल को कोई इश्यू ना हो जाए, और इस रिसीट वाउचर के बेस पे जो मैंने उसको दे दिया, मैंने अकाउंट की एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कल को अगर मालिक बोलेगा, ऑडिटर बोलेगा कि कहां 10,000 रुपया दे, तो तुम वो रिसीट दिखाओ। इसी तरह से वो जो बंदा है वो अपनी बुक्स में उसके लिए अकाउंटिंग करेगा, वो उसके बारे में अपनी अकाउंटिंग करेगा, वो भी अपने प्रूफ रखेगा कि हाँ वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक तो अपना वाउचर करेगा वो पेमेंट वाउचर, और यहाँ से ये रिसीट वाउचर, ये दोनों साथ में रहेंगे और वो एक अकाउंट। इसी तरह से अगर हमने किसी को पेमेंट कर दी तो हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर एक बना देंगे और उसको पकड़ा देंगे, डेबिट वाउचर उसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो अगर कैश पेमेंट होता है तो पेमेंट वाउचर बनाते हैं अकाउंटिंग के लिए, और अगर कैश रिसीट होता है तो हम रिसीट वाउचर देते हैं उस पार्टी को, और उस रिसीट वाउचर के बेस पे हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, ठीक है? तो हमने अभी तक चार चीजें पढ़ी, इंटरनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने खुद जनरेट कर दिया है, ठीक है, जैसे हमने इनवॉइस रेज कर दिया या कैश मेमो रेज कर दिया, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, इंटरनल। इसी तरीके से एक्सटर्नल क्या होता है, अगर थर्ड पार्टीज ने हम पे कोई डॉक्यूमेंट रेज कर दिया तो वो थर्ड पार्टी की तरफ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग के लिए जो वाउचर्स हम बनाते हैं तो इनके बेस पर भी हम डायरेक्टली अकाउंटिंग करते हैं, और कभी कभी ऐसा हो सकता है एक अकाउंटिंग वाउचर बनेगा और उसका पीछे जो रहेगा एक मतलब सपोर्टिंग रहेगा, एक सपोर्टिंग वाउचर, मतलब ये दोनों काम करते हैं। मैं इधर बहुत एग्जांपल बताता हूं, अभी यहां पे एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ आएगा। तो यहां मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके समझ आए कि कभी कभी ये सपोर्टिंग वाउचर के बेस पर डायरेक्टली आप एंट्री करोगे, कभी कभी क्या होगा अकाउंटिंग वाउचर भी रहेगा उसके पीछे एक सपोर्टिंग वाउचर भी रहेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, आप अकाउंटेंट हो जब आप जाओगे, अगर आपने थोड़ा काम किया होगा तो आपको ये पता होगा, आप अकाउंटेंट हो तो वहां पे क्या होता है, फर्म में बिजनेस में क्या होता है, एक कन्वीनियंस रिइंबर्समेंट का एक प्रोविजन रहता है कि अगर हमारे एम्प्लॉई ने हमारे ब्याह पे कोई खर्चा कर दिया तो हम उसको क्या करेंगे, रिइंबर्स करेंगे, फाइन। सपोज आपके जो बिजनेस है वहां पे ड्राइवर है, आपके क्या है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने जब पेट्रोल भरा तो उसने, वो चला रहा था गाड़ी, अब बीच में उसको क्या लगी, पेट्रोल खत्म हो गया, तो उसने पेट्रोल भरा। अब वो क्या बोलेगा मालिक को बोलेगा कि मतलब बिजनेस को बोलेगा आपके, मुझे, मैंने पेट्रोल इतना अपने जेब से भरा है, आई एम द ड्राइवर ऑफ द कंपनी जिसके लिए मुझे कंपनी सैलरी देती है, तो मैंने जो पेट्रोल भरा है ना वो तो मुझे रिइंबर्स करो, फाइन, उसको रिइंबर्स होना चाहिए, यस सर। तो अकाउंटेंट क्या बोलेगा, मतलब कैशियर क्या बोलेगा उसको, अगर सपोज अकाउंटेंट और कैशियर एक है, या कैशियर अलग है अकाउंटेंट अलग है, तो कैशियर क्या बोलेगा,
कैशियर उसको बोलेगा, कैशियर उसको क्या बोलेगा, कैशियर बोलेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दो, तो वो क्या दिखेगा, वो पेट्रोल पंप का रिसीट दिखाएगा, तो ये बनेगा पेट्रोल पंप का जो उसने वो वाउचर दिखा दिया, दैट विल बी द सपोर्टिंग वाउचर। और उसके बाद क्या करेगा, जब ये कैशियर क्या करेगा, कैशियर उसको पेमेंट करेगा, तो कैशियर क्या बनाएगा, एक पेमेंट वाउचर बनाएगा, क्या बनाएगा, एक पेमेंट वाउचर देगा, और उसे साइन लेगा ड्राइवर से, उस ड्राइवर से साइन लेगा, ड्राइवर से साइन लेगा और बोलेगा भाई तुम एक्नॉलेज कर दो कि मैंने तुम्हें इतने रुपए दे दिए पेट्रोल के लिए, तो पेट्रोल वो साइन करेगा ड्राइवर के, हाँ भाई मैंने तुमसे पेट्रोल के इतने पैसे ले लिए, और ये वाउचर दोनों वाउचर उठा के जो कैशियर होगा अकाउंटेंट को दे देगा, क्या देगा, अकाउंटेंट को दे देगा, बोलो भाई इसकी अकाउंटिंग एंट्री करो, और अकाउंटेंट इनकी अकाउंटिंग एंट्री करेगा। समझ आई बात? हाँ सर, बहुत सिंपल है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल का वो रिसीट दिखा दिया, उसके बाद कैशियर के पास गया और कैशियर से पैसे लिए, कैशियर ने उसको क्या बना दिया, पेमेंट वाउचर बना दिया, और फिर ये दोनों वाउचर, पेट्रोल का वाउचर या पेमेंट का वाउचर, या एक ही चीज हो सकता है, वो पेमेंट का वाउचर उठा के अकाउंटेंट को दे दे, या तो दोनों वाउचर देगा, अगर पेमेंट का ही दे दिया तो प्रूफ ऑफ दिस पेमेंट विल रिमेन ऑन द कैशियर, और अगर दोनों दे दिया तो खत्म हो गया कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अकाउंटेंट अपने बुक्स में रखेगा कैश वाउचर, ये पेमेंट वाउचर भी और ये सपोर्टिंग वाउचर भी, मतलब पेमेंट वाउचर जो यहाँ पे बना दैट इज द अकाउंटिंग वाउचर, और ये जो वाउचर है ये सपोर्टिंग वाउचर है, इन दोनों वाउचर्स के बेस पे उसने अकाउंटिंग कर दी। तो कभी कभी हो सकता है कि इसी के बेस पे कर सकते हैं, इसी के बेस पे कर सकते हैं, और किसी किसी ट्रांजैक्शन में ये दोनों वाउचर हो सकते हैं, हम उसमें से अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब इनके कुछ डिफरेंट टाइप्स है, वो क्या होते हैं वो मैं अभी नोट्स साथ में रखूंगा, तो मैं तुम्हें बोलूंगा अगर तुम्हें पता होना चाहिए मतलब ये टर्म कब यूज होती है, बट बेसिकली जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं आपको एक वो इमेज दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से वो चलता है, बाकी जो छोटी छोटी टर्म्स है यहाँ पे वो मैं नोट से आपको बता दूंगा किसका मतलब क्या होता है। तो अभी तक समझ आया आपको? हाँ सर, वाउचर क्या है, इन्हीं के बेस में सर हम अपनी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं जो हमें दिखाती है कि हाँ भाई ट्रांजेक्शन हो गई है, कल को ऑडिट हो जाएगा, मालिक पूछेगा, कुछ भी हो जाएगा, हम दिखा देंगे भाई ये वो एविडेंस है जिनके बेस पे हमने अकाउंटिंग कर दिए, तो अकाउंटेंट को ये चीजों के बेस पे अकाउंटिंग करनी होगी, तो इसको इनको संभाल के रखना पड़ेगा। ये सारा हो गया, कैश इन्वॉल्व होगा तो दो तरह के अकाउंटिंग बनेगी, ठीक है, और अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वो दो तरह के हो सकते हैं। ये हो गया, अब नॉन कैश वाउचर हो गए, और इनको हम बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कैश वाउचर्स, वो वाउचर्स विच आर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग वाउचर में फॉल करता है बट उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। सपोज डेप्रिसिएशन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन नहीं है, बट मुझे आपको एक कंसेप्ट समझा देना है जो शायद आप में से बहुत बच्चों को ये होगा, जब मैंने बता दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम एज एन एसेट दिखाते हैं, तो और बाकी को हम एज एन एक्सपेंस लेते हैं, वो में प्रॉफिट लॉस के वक्त भी आ जाएगा, और मैचिंग कंसेप्ट में बोला था कि वो सारे खर्चे जाएंगे, तो एक डाउट आता था कि एसेट था ये भी तो मेरा खर्चा था, बट ये तो पीएनएल में गया ही नहीं, इसको तो हमने बैलेंस शीट में रखा, तो इसको कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी वैल्यू कम होती है, तो जो वैल्यू कम होती है हम उसको उतना राइट ऑफ करते हैं, एसेट को कम करते हैं उतने से। जैसे मैंने गाड़ी लाई है तो मैं गाड़ी को एक्सपेंस नहीं मार रहा हूँ, बट अगर गाड़ी की लाइफ 5 साल है या 10 साल है, तो इजंट इट राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपेंस ऑफ दैट 10 लाख फॉर दीज 10 ईयर्स। अगर सपोज गाड़ी 10 लाख की है और 10 साल का लाइफ है, तो आपको नहीं लगता है हर साल में खर्चा जाना चाहिए गाड़ी का, ठीक है, जिस तरीके से जाएगा SLMWT वो करेंगे, तो वो हम थ्रू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करते हैं। तो हम एसेट को पहले जब हमने गाड़ी लाई तो हम उसको खर्चा नहीं मानते, हम उसको एसेट मानते हैं, तो हम कार अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं या टू बैंक करते हैं, और बाद में ये कार का क्या करते हैं, हर साल वैल्यू कम करते हैं, वो जो डेप्रिसिएशन पोर्शन है, तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस अब, क्योंकि कैश तो पहले चला गया, तो उसको हम कहाँ लेते हैं, उसको हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी जो एसेट रहेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, बाकी वैल्यू जो बचेगा, तो इसके लिए हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। तो एंट्री इस तरह से होती है, ये आगे आ जाएगा तब मैं डिटेल में समझाऊंगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। अब ये जो तुमने अकाउंटिंग एंट्री करी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, तुमने जो डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, क्या इसके पीछे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था? नो, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो था ही नहीं, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं डेप्रिसिएशन की, बट क्योंकि साल हो गया और एसेट का वैल्यू कम हो गया, तो तुमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया,
क्यों कर दिया, वो सारी चीजें अलग से डिस्कस जाएंगे, पर तुमने उसको कर दिया तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट एक ट्रांसफर वाउचर बनेगा, बोलेगा कि एसेट्स को मतलब एक पेज पे लिखेगा और लिखेगा कि एसेट को इतना वैल्यू कम कर दे, ये कर दिया, इस साल में इतना चली थी वो, मतलब एक पूरा साल हो गया था, 1 अप्रैल को परचेज कर दिया, 31 मार्च तक एक साल की उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से इतनी डेप्रिसिएशन लगेगी, तो वो एक वैल्यू हम आएगा उसके बेस पर वो एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो जो एंट्री करती डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये अकाउंटिंग एंट्री का बेसिस क्या रहेगा, एक अकाउंटिंग वाउचर होगा जो कि नॉन कैश नेचर का है और जिसको हम ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए आपने कर दी, या जो क्रेडिट में आपने गुड्स परचेज कर दिए, सिंपल सी बात है, क्रेडिट में आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उसके लिए तो आपके पास ये तो रहेगा एक्सटर्नल बंदी का इनवॉइस रहेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और आप चाहो तो एक नॉन कैश वाउचर उसको लिए बना देते, ठीक है, तो आप उसके लिए एक नॉन कैश वाउचर जिसको आप ट्रांसफर वाउचर होते हैं वो बना सकते हैं, या स्टोर्स में इधर उधर ट्रांसफर होता है, बहुत सारी चीजें इस तरीके से, ये आपका ये अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब जो आपके नोट्स है वहां पे कुछ टर्म्स है, हो सकता है आपको पता नहीं होगे, तो वो मैं डिस्कस करूंगा, अब एग्जैक्टली क्या क्या टर्म है तो उसके लिए मुझे भी नोट खोलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो वाउचर के बारे में मैंने आपको बोल दिया पहले, ठीक है, वाउचर क्या होता है ये पढ़ लेना आप, कुछ मुश्किल है नहीं। तो उसके बाद मैंने आपको सपोर्टिंग वाउचर बोल दिया, सपोर्टिंग वाउचर मैंने आपको बोला दो तरह से होता है, एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है, मतलब अगर एक्सटर्नल मतलब थर्ड पार्टी ने बनाया, इंटरनल अगर हमारे बिजनेस में हमने जनरेट कर दिया। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल दीज आर द वाउचर व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द थर्ड पार्टी एसोसिएटेड विद द फर्म, जिनके साथ फर्म की डीलिंग होती है। तो इसमें कुछ वर्ड आ गई थी, डेबिट नोट रिसीव्ड एंड क्रेडिट नोट रिसीव्ड, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या था, डेबिट नोट रिसीव्ड और क्रेडिट नोट रिसीव्ड, और ये मैं रब करता हूं, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ टर्म्स तुम लोगों को बतानी है। जब मैंने पहला लेक्चर का नोट्स बना दिया था ना, तो मैंने उसको ग्रुप में जब डाल दिया था, तो देयर वाज अ गाय हु सेड कि ये टर्म्स बहुत कम है, अकाउंटिंग में बहुत सारी टर्म्स है और तुमने सिर्फ 20 टर्म्स यूज कर दी थी। तो तब मैंने उसको बोल दिया था कि यू जस्ट गिव मी दिस 15 डेज, फिर तुम पूछ लेना जो तुम्हें पूछना है, जो मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोल दिया था तुम्हें, एक डॉक्टर को ही पता होता है कि पेशेंट को कब कौन सी दवाई देनी है, इसी तरीके से ये टर्म्स थी। मैं तुम्हें सारी टर्म्स एक ही दिन बोल देता, मेरे लिए तो कुछ मुश्किल था ही नहीं, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लेता, बट प्रॉब्लम क्या, वो सारी चीजें जब तुम उसके लिए अभी रेडी ही नहीं हो तो तुम कैसे उन चीजों को समझ लोगे। आप लोग अगर अभी कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता है, बट अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको अगर फिजिक्स के सारे लॉज एक ही साल में बताते, इज वॉज दैट पॉसिबल, नहीं। तो बेस बनाया जाता है ना, 8th 9th से ही थोड़ा थोड़ा बेस बनाया जाता है, 9th में लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटी, ये थोड़ा थोड़ा डालता है, फिर 11th में उसको और डिटेल में, फिर ऐसे ही आप कॉलेज में जाते हो, ऑनर्स करते हो, तो वहां पे और डिटेल में बोला जाता है, पहले साल बोला जाएगा तो वो जरूरी नहीं होता। इसी तरह से मैंने पहले लेक्चर में बहुत सारी चीजें नहीं बोली थी जो मैंने आगे आगे हर लेक्चर में बोल दी। इसी तरीके से आज एक और है, डेबिट नोट रिसीव्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अगर मैं पहले लेक्चर में डाल देता, आपको पहले लेक्चर में ना डेबिट पता था ना क्रेडिट पता था, जो आपको चौथे लेक्चर में पता चल गया, तो आपको मैं पहले लेक्चर में ही बोलता डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो आप तो बोलते यार हमें तो पता ही नहीं ये चीज के बारे में, तभी मैंने ये चीजें तब छुपा के रखी थी, तब मैंने नहीं बोला था, और आज मैं इन चीजों को बोल रहा हूं, ठीक है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट लेमैन लैंग्वेज में समझ लो, खुद ही इंटरप्रेट, मतलब अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट नोट। एक नोट बना दिया है, एक नोट बना दिया है, मतलब एक डॉक्यूमेंट पे बना दिया है, किसी को दे दिया है और बोला है कि हमने तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो यही मतलब है। एक नोट बना दिया है जिसने हमने उस पार्टी को या उस बंदे को जिसको हमने ये नोट दे दिया उसको बोला है कि हमने तेरा अकाउंट डेबिट कर दिया, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। ए नोट विच इज प्रिपेयर्ड, इट इज अ सिंपल डॉक्यूमेंट, बट नोट इज अ सिंपल डॉक्यूमेंट लाइक दिस। यहां पे हमने बोला, अगर मैंने ये बना दिया तो यहां पे मैं लिखता हूं वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट बाय ₹10,000, और यहां पे मैं लिखता हूं क्यों, ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स विच were purchased from you, you मैंने shortcut you लिखा, ठीक है। क्या किया इस note में, यह हमने issue कर दिया एक बंदे को, एक बंदे को हमने issue कर दिया 10,000 का debit note
और उसको बोला कि हमने आपके अकाउंट को अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया, क्यों? हमने आपको गुड्स रिटर्न कर दिए। तो आपने एक और चीज पढ़ी थी, आपने पढ़ा था परचेज रिटर्न और आपने पढ़ा था सेल्स रिटर्न। जब आप किसी किसी पार्टी से परचेज रिटर्न से पहले क्या होगा, परचेज होगा। अगर कैश परचेज होगा, अगर कैश परचेज होगा एंट्री क्या हो जाएगी? सर ये तो बहुत आसान है सर, अब तो हम इतने बड़े हो गए, आप अभी हमसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो, सर एंट्री तो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट हो परचेज अकाउंट। सपोज 10,000 के गुड्स आपने परचेज कर दिए, आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट। और इन्हीं गुड्स को, माय बैड, मैं जज्बात में गलत कर दिया सर, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश निकल जाएगा, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एंट्री हो जाएगी परचेज बीइंग एक्सपेंस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया। बट यही चीज अगर तुमने उधार में परचेज कर दिया, अगर तुमने उधार में परचेज कर दिया तो तुम एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये हो गया। तो तुमने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, वेरी गुड। ये चलता रहा, फिर जब तुम्हारे पास माल वाल आ गया और जब तुमने देखा, तुम्हें लगा इसमें कुछ डिफेक्ट है, क्या है, जब तुमने वो पैकिंग वैकिंग खोल दी, तुम्हें लगा कि ये तो फ्लड वाला माल है, ये तो खराब हो गया था, या इसमें कुछ डिफेक्ट है, ये चूहे ने काटा है, जो भी है, तो तुम्हें लगा कि ये डिफेक्ट हुआ है। जब डिफेक्ट होगा तो तुम क्या करोगे? सर हम इसको रिटर्न करते हैं। जब हम इन गुड्स को रिटर्न करते हैं जो हमने परचेस किया था, उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। और जब परचेज रिटर्न करते हैं तो उस वक्त एंट्री क्या करते हैं? सर ये क्रेडिटर को हमने तब क्रेडिट कर दिया था, अब इसको हम क्या करेंगे? सर इसको वापस देंगे माल, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सर हम एंट्री करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न का एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें हम परचेज अप टू परचेज भी कर सकते हो डायरेक्टली, बट हम एक परचेज रिटर्न का अलग रखते हैं ताकि हमें पता चले साल में कितनी परचेज रिटर्न है, और लास्ट में फिर नेट में हम टोटल परचेज माइनस लेस परचेज रिटर्न, दैट इज द टोटल परचेज जो हमने नेट में परचेज कर दिए है। बट अभी हम परचेज के लिए अलग अकाउंट रखते हैं, परचेज रिटर्न के लिए अलग रखते हैं। तो जब इसको माल वापस दिया तो हम क्या करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करते हैं 10,000 टू परचेज रिटर्न। तो इसको फिर क्या करते हैं? अपने बंदे को बोलते हैं जा भाई ये माल उसको देते आ, और साथ में उसको क्या करते हैं? ये तो हमने अकाउंटिंग एंट्री कर दी, ये तो अकाउंटिंग एंट्री कर दी, ये अकाउंटिंग एंट्री कर दी हमने, ये अकाउंटिंग एंट्री हमने कर दी, और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग एंट्री जो हमने कर दी साथ साथ क्या करेगा? हम एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, एक डॉक्यूमेंट बना देंगे जिसको नाम, जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम बना देंगे बिजनेस में, उसको बोलेंगे कोई इनवॉइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनवॉइस कब बनाते हैं? जब हम सेल करेंगे, जब हम सेल करेंगे किसी पार्टी को तब हम इनवॉइस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम इनवॉइस, यहां पे सेल नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम एक डॉक्यूमेंट में बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनवॉइस डेबिट नोट। क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। तो यहां पे हम इस पार्टी को बोलेंगे कि हमने आपके अकाउंट को 10,000 रुपए से डेबिट कर दिया है, क्यों? हमने आपको गुड्स वापस कर दिए, और इस डॉक्यूमेंट के बेस पे, ये मेरा बनेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे अकाउंटेंट ये एंट्री पास करेगा, और इस डॉक्यूमेंट को लेके और वो जो गुड एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी जो है उस बंदे को देगा जो माल लेके उस दुकानदार के पास चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेबिट नोट। और यहां पे मैंने क्या कर दिया? डेबिट नोट मैंने इशू कर दिया, ये डेबिट नोट मैंने इशू कर दिया। इसी तरीके से क्या हो सकता है? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट इशू कब होगा? सर इसका उल्टा होगा। अगर किसी बंदे ने मुझसे परचेज कर दिया था तो मेरी क्या हो गई थी? सेल। एक मिनट होल्ड कर देना। हेलो, हाँ कहां पर हो? कल मेरा ऑफिस होगा? नहीं, मेरा प्रेजेंशियल है। ऑफिस एड्रेस मेरा है लोधी रोड न्यू दिल्ली। मैं तो पूरा टाइम हूँ इधर, आप आ जाओ आज। आज ही बोला था ना? नहीं, अच्छा ये कब तक इशू होता है फिर? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, इसी तरीके से अगर हमने किसी को गुड्स परचेज, गुड्स सेल कर दिए होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। तो उस वक्त हमने क्या, अगर मैंने उसको उधार में बेचा है तो मैंने एंट्री क्या की होगी? डेटर
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सपोज ये 50,000 के मैंने गुड्स भेज दिए और इसमें से क्या हो गया, वो 5,000 के गुड्स वापस ला रहा है। जब वो वापस ला रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। तो हम एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सपोज 5,000 के गुड्स वापस लेता है, 5,000 के गुड्स जब वो वापस लाता है तो हम एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब इस बेस पे पीछे क्या होगा, ये तो हमने एंट्री कर दी, ये तो अकाउंटेंट एंट्री करेगा, तो अकाउंटेंट ऐसे ही एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट नहीं, से वो बोलेगा भाई तुम क्या करो एक इसका इसको मतलब व्हाट इज द प्रूफ कि उसने माल दिया, वो बोले देखो भाई जो मटेरियल वाला बंदा होगा, परचेज वाला बंदा होगा, सेल्स वाला बंदा होगा, वो अकाउंटेंट को बोले देख भाई इसने 5,000 का माल वापस लाया, तो उसको बोलेगा यार तुम एक डॉक्यूमेंट जनरेट करके दे दो जिसमें तुम बोलोगे कि हां 5,000 का माल है। तो वो क्या इशू करके देंगे, वो एक क्रेडिट नोट देंगे, क्या देंगे एक, वो एक पहले रिसीट वोचर हो सकता है, वो ट्रांसफर वोचर दे दे, ठीक है। उसके बेस पे क्या होगा, एक क्रेडिट नोट बना जाएगा जिसमें हम बोलेंगे इस डेटर को कि हमने तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और उसके बेस पे ये एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ताकि उस डेटर को भी पता चले कि हाँ हमने एक्नॉलेज कर दिया कि 5,000 का माल हमारे पास है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ होते हैं, एक पार्टी सेल्स रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्रेडिट नोट बनाती है और दूसरा पार्टी बोलती है हमने तुम्हें डेबिट कर दिया, मतलब उस बंदे ने जो मुझे वहां पे गुड्स भेजे होंगे साथ में उसने डेबिट नोट दिया होगा और मैंने उसको यहां पे क्रेडिट नोट दे दिया, और क्रेडिट नोट को और डेबिट नोट के बेस पे मैं अपनी अकाउंटिंग करूंगा, ठीक है। तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं जब सेल्स रिटर्न होता है, और हम डेबिट नोट इशू करते हैं जब हमने किसी को वापस दे दिया माल। इसी तरीके से अगर हमने डेबिट नोट रिसीव कर दिया मतलब उसने हमें डेबिट कर दिया है, मतलब उसने सेल्स रिटर्न कर दिया, और अगर हमने क्रेडिट नोट रिसीव कर दिया इट मीन हमने किसी पार्टी को वा दिया, मतलब हमने इसको डेबिट नोट दे दिया ये हमें क्रेडिट नोट होगा, और हमने इसको क्रेडिट नोट दे दिया ये हमें डेबिट नोट देगा, इस तरीके से गेम चलते। तो आपको समझ आया डेबिट नोट रिसीव क्रेडिट नोट रिसीव, हाँ सर समझ आया। परचेज इनवॉइस और कैश में वो नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं, बट आज के जमाने में सारा टैक्स वर्ड टैक्स इनवॉइस यूज किया जाता है, बट स्टिल आपने देखा होगा, आप याद कर देना, नॉर्मली आप मेडिकल शॉप में देख लेना क्या होता है, मेडिकल शॉप में जब जाते हैं हम मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो वो जब हमें क्या करता है बिल देता है ना, बिल इज अ वाउचर, हाँ बिल इज अ वाउचर, तो बिल में क्या करता है वो, अगर हम उसको कैश देते हैं वो कैश में मेमो देता है, देता है नहीं देता है, यहाँ पे लिखता है ये टैबलेट ये सिरप प्राइस 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 टोटल, और यहाँ पे साइन करता है। तुम इसको पर्टिकुलर वाउचर बोल सकते हो, और इस वाउचर क्या है इसको हम कैश मेमो बोलते हैं, जब हम कैश में गुड्स को सेल करते हैं तो हम इशू करते हैं कैश मेमो। बट इसी की जगह मैं अगर उससे उधार में लेता हूँ या मैं कैश पेमेंट नहीं करता हूँ या उसको बोलता हूँ मुझे बिल दे दे, तब वो क्या करता है, तब वो इनवॉइस रेज करता है, क्या वो, तब वो इनवॉइस रेज करता है, पूरा इनवॉइस में बना के देता है। दुकानदार को भी आप देखोगे तो जब वो कैश में बेचता है तो वो नीचे कैश एक कैश में होता है उसमें लिख देता है सीधे, ठीक है, पार्टी को करता है कैश और कर देता है, बट जब इनवॉइस की बात होगी तो पार्टी में पूरा नाम आता है, पार्टी का नाम क्या है एक्स वाई जेड, तो उसको इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। इनवॉइस इज फॉर क्रेडिट सेल एंड कैश मेमो इज फॉर कैश सेल, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल है मतलब अगर तुम्हें रिसीव हुए होंगे, और ये अगर तुमने इशू कर दिए होंगे वो तुम्हारे इंटरनल बन जाएंगे, ठीक है। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट इंटरनल है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप पता है क्या है, हाँ सर पे इन स्लिप पता है, हम जब बैंक में जाते हैं ना, बैंक में जब जाते हैं तो बैंक में जब हमने कैश डिपॉजिट करना पड़ता है तो बैंक वाले हमें बोलते हैं ना कि ये पे इन स्लिप भरो, इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे भी होता है अमाउंट होता है, ठीक है, और नेम होता है और अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पे भी अकाउंट नंबर नेम और अमाउंट लिखा होता है ना ऐसे, और यहाँ पे फिर साइन करते हैं हम, करते हैं नहीं करते हैं? इसको बोलते हैं पे इन स्लिप, क्या बोलते हैं पे इन स्लिप। तो फिर जाकर क्या करता है वो बैंक वाला, जब इसको लेता है हमसे दस हजार रुपया लेता है हमसे, और फिर क्या करता है इस पे ठप्पा लगाता है और इसको काटता है, इसको हमें वापस देता है, दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर अस कि हमने बैंक में जमा कर दिए। तो अकाउंटेंट क्या करेगा कैशियर जब पे इन स्लिप बनाएगा तो ये पे इन स्लिप का ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट रहा, इस बेस पे क्या करेगा अकाउंटेंट, क्या है ये अकाउंटेंट को देगा, बोले भाई मैंने 10,000 रुपया एंट्री जमा कर दिया बैंक में, तो वो फिर एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस बेस पे करेगा, कभी कभी क्या हो सकता है अकाउंटेंट और कैशियर नॉर्मली छोटे छोटे बिजनेस पे एक ही होता है, बट बड़ी बड़ी बिजनेस में कैशियर अलग हो सकता है और अकाउंटेंट अलग होगा। तो ये कैशियर करेगा बैंक में जमा और उठा के फिर क्या करेगा ये पे इन स्लिप देगा किसको, क्योंकि कैशियर को फिर शाम को हिसाब देना होता है, तो कैशियर बोलेगा भाई कैशियर को बोलेगा तुम्हारे पास कितना पैसा आया अभी कितना है, तो वो बोलेगा भाई 10,000 रुपए मैंने बैंक में जमा कर दे, व्हाट इज द प्रूफ तुमने बैंक में जमा कर दे, एक तो है कि मैं बाद में बैंक स्टेटमेंट देखूंगा वो तो तब की बात है, बट अभी तो प्रूफ दिखा दे, तो वो ये पे इन स्लिप का प्रूफ दिखा दे। तो समझ आए पे इन स्लिप, अगेन यहाँ पे इंटरनल आ जाएगा। इसी तरह से एक्सटर्नल
अकाउंटिंग वाउचर मैंने तुम्हें बोल दिया जो हम बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, तो ये अकाउंटेंट बनाता है। और नॉर्मली ये जो वाउचर होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो ठीक है पार्टी ने दे दिए या हमने दे दिए इसमें कोई बात नहीं है, बट ये जो हम फिर अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर जो हम बनाते हैं कोई तुम फॉर्मेट ऐसे गूगल से देख लेना, कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम्हें फॉर्मेट नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। हर बिजनेस का अपना अपना स्टैंडर्ड अपना अपना फॉर्मेट हो सकता है फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग वाउचर। बट यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं क्योंकि इसके पीछे उतना जरूरी नहीं है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो तब ठीक है, बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर नहीं है जैसे पेटी एक्सपेंसेस कर दिए, ठीक है ऐसे ही बाहर जाके कुछ हमने खर्चा कर दिया, हमने बोला हमने खर्चा कर दिया तो वहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, बट सपोज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिजनेस में क्या होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट से वाउचर्स बनते हैं, अकाउंटिंग वाउचर बनते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि ये अकाउंटेंट नॉर्मली बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है और एक अप्रूविंग अथॉरिटी होती है जैसे जीएम है वहां पे या कोई चीफ है उसको अप्रूव रख लिया तो वो इतने अमाउंट के जो खर्चे है अप्रूव कर सकता है, तो वो इस पे साइन करता है हाँ भाई मैंने इनको बोला था। जैसे मुझे याद है मैं जब ऑडिट करता था एक फर्म में कश्मीर में मैं गया था ऑडिट करने, तो वहां पे मैंने देखा था वहां पे कल्चर था कभी उन्होंने स्टाफ वेलफेयर में कुछ खर्चा कर दिया पार्टी वार्टी कर दी, ठीक है अब हो सकता है उस दुकानदार से वो सारी चीजों के लिए उनको बिल विल नहीं मिलेगा या व्हाट वाज द ये करना था या नहीं करना था कब इसको बिजनेस का खर्चा मिलेगा, तो वो क्या करते थे एक काइंड ऑफ वाउचर बनाते हैं फिर जाके वहां के जीएम को ये पावर थी वाज अप्रूविंग अथॉरिटी तो वो जीएम साइन करता था, उसके बाद ही अकाउंटेंट उसको बुक्स में एंट्री करता था जब वो जीएम ने अप्रूव कर दिया था, अगर वो जीएम अप्रूव नहीं करता तो वो उनको अपने जेब से देना था फिर वो बुक्स बिजनेस की बुक्स में खर्चा नहीं करता, बिजनेस बुक्स में क्या करता जब इस वाउचर को क्या होगा ये जो वाउचर बना दिया अप्रूविंग अथॉरिटी साइन कर देगी। तो नॉर्मली इन अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है एक जो मेकर होता है नॉर्मली अकाउंटेंट या कोई भी बंदा होता है और फिर एक अप्रूविंग अथॉरिटी होती है जो इसको साइन करती है तो तब जाकर ये वाउचर बनता है। तो वही बात है जैसे पेट्रोल के एक्सपेंस है अगर जीएम के पास पावर रखती है कि वो इसको रिमबर्स करेगा कैशियर बोलेगा जा जीएम से साइन करके तो वो एक वाउचर बनाएगा और उसको जीएम से करेगा और वो वाउचर और जीएम कैशियर के पास आएगा कैशियर पे करेगा कैशियर उठाकर वाउचर को अकाउंटेंट को देगा अकाउंटेंट एंट्री करेगा तो वो अकाउंटिंग वाउचर्स हो गए। ठीक है तो ये तीन तरह से होते हैं एक हमारे पेमेंट वाउचर हो सकते हैं रिसीट वाउचर हो सकते हैं और ट्रांसफर वाउचर हो सकते हैं। ठीक है पेमेंट वाउचर मैंने तुम्हें बोला रिसीट वाउचर दो तरह के होते हैं अगर आपको कैश में आ गया तो कैश और अगर बैंक में आ गया तो बैंक और इसी तरह से फिर ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर जिसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है जैसे तुम्हारा ये है जैसे वो एक एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग जो हमने लास्ट में कर दिया था तो अगेन वहां पे कोई कैश वैश इन्वॉल्व है नहीं अगर कैश होता तो सैलरी अकाउंट कैश तो कैश वाउचर बन जाता तुम्हें बट अगर तुम्हारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये खर्चा तुम्हें करना था तो इसके लिए क्या बनेगा एक ट्रांसफर वाउचर बनेगा डेप्रिसिएशन के लिए क्या ट्रांसफर वाउचर। तो अब इसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये तुम कर लेना इतना ही था वाउचर बेस्ड अकाउंटिंग तो तुम्हें हो सकता है इसके बारे में पूछा जाएगा सपोर्टिंग या अकाउंटिंग वाउचर बट मेन इंपॉर्टेंट ये चीज था इसके इसको छोड़ के भी मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज था कि आप जो अकाउंटिंग करोगे यू हैव टू मेक अ हैबिट एंड दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग दैट यू विल बी डूइंग द अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज वाउचर्स द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस विल बी कैप्चर्ड इन दीज वाउचर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वाउचर्स यू विल बी डूइंग द अकाउंटिंग एंट्री इन जर्नल बाय जर्नलाइजिंग जिसको हम जर्नल एंट्री करना बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री जो आप करोगे वो आप उन वाउचर्स के बेसिस पे करोगे द प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज द वाउचर। ठीक यही था आज के लेक्चर में कल के लेक्चर में हम लेजर पढ़ेंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही सी यू।